तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को समझाने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अलीटा विटल एंजल, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। अब सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आपको लेकर चलते हैं इस मूवी के स्टोरी लाइन की तरफ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में एक बड़े से स्काई सिटी को दिखाया जाता है, जो कि वो सिटी धरती पर न रहकर बल्कि हवा में उड़ रही होती है। दरअसल ये समय 25063 का वक्त होता है और इस वक्त अर्थ की टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल तक पहुँच गई है। चारों तरफ बड़े बड़े रोबोट्स, बड़े बड़े मशीनें एंड इवन इंसान भी अब साइबोर्ग बन गए हैं, यानी आधे इंसान और आधे रोबोट। इस वक्त हमें बताया जाता है कि आज से 300 साल पहले एक वार हुई थी जिससे पृथ्वी के आधे लोग मारे गए और जो लोग बच गए वो इंसान स्काई सिटी और आयन सिटी में रहने लगे। जो बहुत ज़्यादा अमीर थे वो स्काई सिटी में रहने लगे और जो मिडिल क्लास गरीब इंसान बचा वो आयन सिटी में रहने लगे। खैर कहानी की शुरुआत में ही हम स्काई सिटी को देखते हैं जिसका सारा का सारा गार्बेज यहीं नीचे धरती पे फेंका जा रहा होता है। जैसा कि मैंने बताया अब अर्थ की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है, इसलिए वहाँ के जो बड़े बड़े रोबोट और मशीन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट खराब हो जाते हैं तो उन सभी पार्ट्स को नीचे धरती पर फेंक देते हैं। यहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर डायसन ईडो है। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी है। ईडो उसी गार्बेज के ढेर से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ढूंढ कर कलेक्ट कर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नज़र एक खूबसूरत से साइबोर्ग पर पड़ता है। फिर जल्दी से वो उसके पास जाता है और उस साइबोर्ग के बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये अभी भी जिंदा है, इतने टूटे फूटे हालत में भी। अब यहाँ से ईडो उस साइबोर्ग को अपने घर ले जाता है और उसे अच्छी तरह से रिपेयर करता है और साथ ही उसके बचे हुए बॉडी पर एक बढ़िया सा फुल बॉडी लगा देता है। अगली सुबह जब वो साइबोर्ग जागती है तो वो अपने आप को और अपने बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है, इसलिए वो नीचे आती है और डॉक्टर ईडो से पूछती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई, ऐसा सवाल ईडो से करती है। इस पर ईडो कहता है कि मुझे लगा तुम हमें अपने बारे में कुछ बताने वाली हो कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुमको जब मैंने अपने घर लाया तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा माइंड काम कर रहा था इसलिए हमें लगा कि तुम्हें कुछ तो याद होगा अपने बारे में। तुम्हारा माइंड एक्टिवेट था तो हमने एक बॉडी को तुम्हारे बचे हुए साइबोर्ग बॉडी में लगा दिया, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें भी कुछ याद नहीं। खैर इसके बाद डॉक्टर ईडो उस साइबोर्ग को पूरा सिटी दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। बाहर स्काई सिटी को देखकर वो साइबोर्ग ईडो से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, ये हवा में कैसे उड़ रही है, क्या ये कोई स्पेसशिप है, ऐसा ईडो से पूछती है। इस पर डॉक्टर ईडो बताता है कि ये स्काई सिटी है, महायुद्ध के बाद ये अकेला एक सिटी है जो उस युद्ध में बचा और तब से लेकर अब तक आयन सिटी के लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कंपनी हो या फार्म हो।